गोल लगातनी समाचार बक्सर से बटुए रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के पहले देखनी है, दो पैक मार दारू गले में उतार बाकी सब भूल जा। जी हाँ, ऐसन फिर से एक बार बयान आइल बा सूबा के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के। यहाँ के कहनी कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, अब का पिया करो सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। सरकार में रहत एह तरीका के बयान देवे वाला जीतन राम मांझी के पूरा बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। बस खबर के अंत तक देखब आ देखला के बाद चैनल के सब्सक्राइब कर दी, लाइक शेयर जरूर करब। रउरा सबके बता दी कि अपन दू दिन के यात्रा पे बक्सर पहुँचल रही सूबा के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। एहिजा अतिथि गृह बक्सर में बयान देत कहनी कि हम बचपने से देखत तनी कि गांव देहात में लोग शराब बनावत रहन आ साँझी खा दू पैक मार के सूत जात रहन। यहाँ के इहो कह देनी कि मेडिकल साइंसो मानेला कि शराब खराब ना हो, बस मारे वाला के उतने मारे के चाहिए जितना सुपाच्य होके, यानी कि दू पैक मार दारू गले में उतार और बाकी भूल जा, माने दुनिया के टेंशन भूल जा। यहाँ के कहनी कि हम 78 बरिस के हो गई नहीं कबो दारू के हाथ नहीं खिल गईले, लेकिन शुरू से ही कुछ मुद्दा पे सरकार से अलग राय रखीला, खास कर शराबबंदी के लेके हमारे साथ विपक्ष के भी आगे आवे के चाही ताकि सरकार के लागे कि शराबबंदी से गरीब लोग के ढेर परेशानी बा। जीतन राम मांझी दू दिन के जब यात्रा पे आइल रही यहाँ के अति पिछड़ा वर्ग के समस्या के भी रखनी। दरअसल बिहार में शराबबंदी एगो बड़ा मसला बा, यह पर सरकार कोनो भी एंगल से झुके के तैयार नहीं खे, लेकिन दलित नेता जीतन राम मांझी के आज भी लगता कि दू पैक मारला में कोनो खराबी नहीं खे, कहे से कि शराब वास्तव में बुरा हो, ये जब आदत बन जाए तब तो परेशानी हो, नहीं तो दू पैक मार दारू गले में उतार आ साँझी खा फिर भूल जाए। जी हाँ, ये रोरा सबके सब कुछ देखाई भोजपुरिया समाचार लाइव, लेकिन यहाँ के बता दही कि अभी वर्तमान में गठबंधन सरकार जदयू भाजपा के गठबंधन में बानी आई है तरीका से बयान, यानी कि साफ साफ दर्शावता कि यहाँ के शराबबंदी के पक्ष में नहीं खी। रउरा खुद बयान सुनी दर्शक लोग। और हमारी मानना ये रही है कि हम वो घर से आए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बिकती थी, शराब पीते थे, लेकिन आज 78 वर्ष उम्र मेरा हो गया, अभी तक शराब अपने होठों पर हमने नहीं लाने का काम किया, तो कोई कानून तो नहीं था, अवेयरनेस हुआ, कुछ शिक्षक ऐसे मिले, तो मेन चीज़ है कि अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस भी मानती है ये बात को, और हम शुरू से कहते रहे हैं कि लिमिट अरसे में अगर शराब लिया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद होता है। अभी हाल में एक जर्नल में निकला है, पेपर में भी निकला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने भी कहा है कि दो पैग ले लेने से वो हेल्थ को सुधारता है न कि बिगाड़ता है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, हम उसके व्यसन में नहीं जाएं, उसको दवा के रूप में अगर हम लें तो घाटा का सही नहीं है, लेकिन बदकिस्मती यही है अज्ञानतावश उसको लोग व्यसन के रूप में ले लेते हैं और उससे इतनी दिक्कत हो रही है कि शेड्यूल कास्ट में हमारे तबके के लोग 50-60 वर्ष जाते जाते उनका ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। क्या ये मानसिक प्रदेश में तो शराबबंदी है, अपने शराब के बारे में बोल रहे हैं कि थोड़ा लिया जाता है, कैसे वो पॉसिबल है? पहले भी हमने कहा कि हम सरकार में हैं और हम सरकार के घटक दल में हैं, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि सरकार के हर बात को हम मान के ही चलें। हमारा फर्ज बनता है कि सरकार को हम कुछ अच्छी बात बताएं जिससे कि जनमानस को फायदा हो। ये अलग बात है कि सरकार में है, सरकार माने या ना माने, हम तो पहले बात शुरू से कहते आए हैं
और आज भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार साहब की नजदीकिया भेज, क्या इस संदर्भ में कभी बात आपकी हुई है कि शराब खरीदी? कई एक बार बातें हुई है, कई एक बार बातें हुई है, लेकिन वो उनका मानना दूसरा है। उनका मानना है कि भाई महात्मा गांधी जी यहाँ काम करते हैं, महात्मा गांधी जी इसके विरोध में थे, हम इसके विरोध में जरूर रहेंगे और जो हमारा कष्ट चलेगा हम शराबबंदी को कानून को इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे। हम लोग कहते हैं कि शराब नीति और बालू नीति दो के चलते गरीब